रुपए 10 रुपए में 4 धाम यात्रा करी है। दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेट जर्नी विद संदीप इसमें, और यहाँ पे भगवान चार धाम यात्रा का सेट बना है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि यहाँ मिलता है एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी। तो देखते हैं चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा का सेट देखने के लिए पैसे देकर एंट्री पास ली। जो रात के वक्त रंग बिरंगी लाइटिंग के कारण ये सेट और ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही बढ़िया दिखता है और चमकती है भगवान की अलग अलग रूप की मूर्तियाँ। साथियों की आंखें भर आई, मानो अभी सब रो पड़े थे। कांपती हुई आवाज में पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे वो अघोरी बाबा। एकदम अघोरियों की तरह पूरी तरह से वैरागी, शेर की छाल बदन पर लपेटे हुए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर त्रिभुज, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी माला पहने हुए थे वो अघोरी बाबा। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके सभी साथी हर हर महादेव कहते हुए उस शिवलिंग के चरणों में गिर गए। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग को दुनिया
अपने भक्त को छिपा करते हुए भगवान श्री राम जी ने उनके द्वारा कैलाश से लाए गए बीज को वही समय पर स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुआ। श्री राम जी ने उस बीज का नाम भगवदेश्वर रखा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मंदिर मूल रूप से छुट्टी से फूस की झोपड़ी में भी एक साधु के देखभाल में था। इसके बाद सदी दर सदी इसकी संरचना की गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ स्वामी श्री विश्वधर श्री विश्वधर के चारों ओर गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के स्थापित जो लिंगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह धर्म और आस्था की मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं जो मनुष्य परम पवित्र गंगा जल से भक्ति पूर्वक रामेश्वर सिंह का अभिषेक करता है अथवा उन्हें स्नान करवाता है और दोस्तों, आशा करता हूँ ये चार धाम सेट का बनाया वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्रैवल से जुड़े अलग अलग जगह के नई नई जगह के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ग्रेट जर्नी भी संदीप इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए उसे लाइक करिए, कुछ सजेशन देना है कमेंट करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए जय श्री राम।